Good morning, class 5. In today's video, we are going to learn about a new math chapter, okay? So let's listen very, very carefully. For the activities, we have reading, math, activity, Zoom class, and exercise, okay? Please remember, we have our Zoom class at 12:30. It will be a fun place for all of us, so all of you join on time. Now, next, move on to the new chapter. The new chapter is factors and multiples. Okay, and our objective today is we will be able to identify factors of a number. Hum factors dhoondna seekhenge. Okay, now before we find factors dhoondne se pehle, let's learn what are even numbers. Even numbers kya hota hai? We had studied in class 4 also. Humne class 4 mein bhi padha tha. Even number is a number that can be divided exactly by 2. Okay. अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कर सकते विदाउट एनी रिमाइंडर एग्जैक्टली मतलब एकदम पूरा पूरी हम उसको दो भाग में कर सकते सी सपोज अगर आपने मुझे 10 दिया तो 10 को मैं दो पार्ट्स में कर सकती हूँ 5 5 है ना तो वो एक इवन नंबर है 10 एक इवन नंबर है अगर आपने मुझे 4 दिया तो मैं 4 को 2 और 2 में डिवाइड कर सकती हूँ राइट तो वो एक इवन तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम दो भाग कर सकते हैं उसको हम इवन नंबर बोलते हैं ओके और इवन नंबर का जो लास्ट डिजिट है जो कोई भी इवन नंबर का आखिरी डिजिट है वो होता है 0 2 4 6 या 8 ओके इन पांचों में से कोई भी अगर एक नंबर लास्ट में आता है तो वो एक इवन नंबर होता है चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं ठीक है से सपोज 36 है ठीक है तो अगर लास्ट डिजिट 6 है तो ये है इवन ठीक है से सपोज वी हैव 18 लास्ट डिजिट 8 है तो ये है इवन नंबर ओके ये हमने टुडेज नंबर में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था तो कभी भी अगर आखिरी डिजिट कोई भी नंबर हो कोई भी बड़ा नंबर हो अगर आखिरी डिजिट है 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8 इन पांचों में से अगर कोई भी एक लास्ट डिजिट होता है तो वो हम उसको हम इवन नंबर बोलते हैं ठीक है वैसे ही ऑड नंबर क्या होता है ऑड नंबर को हम दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते सपोज अगर मुझे किसी ने 5 चॉकलेट दिए ठीक है तो मैं क्या उसको दो भाग में एकदम डिवाइड कर सकती हूँ नहीं ना क्योंकि दो दो करके हम मैं भाग कर सकती हूँ दो दो 4 होगा और 1 बच जाएगा सो 5 इज एन ऑड नंबर ओके जो नंबर को हम दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं और ऑड नंबर में स्पेशल क्या है ऑड नंबर हमेशा लास्ट डिजिट 1 3 5 7 या 9 होता है ठीक है ये 5 नंबर अगर आपको कोई भी नंबर के पीछे दिखे तो वो एक ऑड नंबर है सो अगर 89 है तो 89 एक ऑड नंबर है 73 है तो 73 एक ऑड नंबर है बिकॉज द लास्ट डिजिट इज दिस ओके लेट्स गो बैक टू आवर स्क्रीन नाउ सिमिलरली आई हैव रिटन व्हाट इज ऑड नंबर ये डेफिनेशन आपको याद करना है मैं पूछूंगी जूम क्लास में ओके ना इस वर्कशीट में आपको क्या करना है फर्स्ट वाले में जो जो इवन नंबर्स है उसको आपको सर्कल करने हैं ठीक है यहाँ पे जो जो ऑड नंबर्स है उसको आपको सर्कल करना है ओके फाइनली वी कम टू द मेन पार्ट व्हिच इज फैक्टर्स फैक्टर्स क्या होते हैं अ फैक्टर डिवाइड्स अ नंबर कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर एक फैक्टर कोई भी एक नंबर को डिवाइड करता है बिना कोई रिमाइंडर छोड़े सो जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल 30 divided by 6 is 5 30 से अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे तो हमें 30 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 राइट तो अगर 30 को हमने 5 से डिवाइड किया ठीक है तो 5 6 30 होता है ना और रिमाइंडर कुछ बचा क्या नहीं तो इसीलिए ये जो 5 नंबर है इसको हम डिवाइजर भी बोलते हैं लेकिन हम इसको फैक्टर भी बोलते हैं ओके ये फैक्टर तब होता है जब
ऐसे डिवाइड करता है कि कोई रिमाइंडर ना बचे, ठीक है? तो वैसे ही 30 के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मैं 30 को 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, है ना? आई कैन डिवाइड 30 बाई 2, ताकि मुझे यहाँ पे 2 1s are 2, इसको माइनस करके 1 and 10, सो 15, मुझे 15 मिलेगा, 2 5s are 10, ठीक है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. अगर हम सिंपली सोचना चाहे, ठीक है, तो अगर किसी ने बोला कि आपको आपको 8 का फैक्टर निकालना है, तो आप सोचो कि 8 को कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, या 8 कौन से टेबल में आता है. जैसे 2 के टेबल में आता है, 2 से हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 8 से डिवाइड कर सकते हैं, और फिर फाइनली हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं. तो ये सारे नंबर क्या है, दीज आर ऑल फैक्टर्स. ठीक है, मैं आपको एक नया मेथड सिखाऊंगी फैक्टर्स निकालने का, उसको हम बोलते हैं रेनबो मेथड. ठीक है, लेट्स सी हम रेनबो मेथड से फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. ओके, सो अगर हमारे पास से 12 है, हमें 12 के फैक्टर्स निकालने. सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 से किसको मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिलेगा. 1 12s are 12, है ना? तो इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे. फिर 2 से किसको मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 12. 2 6s are, तो 2 और 6. फिर 3 से किसको मल्टीप्लाई करने से हमें 12 मिलेगा. 3 4s are 12, ठीक है? अभी 4 तो हम ऑलरेडी यहां लिख चुके हैं, तो हम 4 लिखेंगे क्या फिर से? नहीं, ठीक है? जिस नंबर को हमने ऑलरेडी लिख लिया है उसको हम नहीं लिखेंगे. अभी 5 के टेबल में 12 आता है क्या? नहीं. 6 के टेबल में आता है, 6 ऑलरेडी है यहाँ पे. क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं. 8 के टेबल में आता है? नहीं. 9 के टेबल में आता है? नहीं. तो अभी और कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 12 आता है. जब तक हम कितने तक नंबर देखेंगे, 12 तक नंबर देखेंगे. 10 तक नहीं आता है, 11 तक नहीं आता है, और 12 तक नहीं आता है, ठीक है? सो हमारा आंसर क्या हुआ कि फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के कौन कौन फैक्टर्स है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6. ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स के कर सकते हैं. लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल जो मैंने टास्क पैकेट में ऑलरेडी करके रखा है. ये फैक्टर रेनबो फॉर 18. फैक्टर रेनबो फॉर 18 कैसे बनाया? देखो, 1 पहले लिखा है. 1 से किसको मल्टीप्लाई करने से 18 मिलेगा? 1 को 18 से. फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करने से 18 मिलेगा? 9. फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करने से 18 मिलेगा? 6. 4 के टेबल में आता है क्या? हाँ. नो, 4 के टेबल में 18 नहीं आता है. और कोई नंबर है क्या? नो, आई डोंट थिंक सो. तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, और 18 है. ओके, ऐसे ही करके आपको इन सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकालने, 8, 5, 14, इन सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकालने. ठीक है, लास्टली हम क्या करने वाले आज? रिलेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन. हमने ऑलरेडी देखा है कि मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कि अगर 2 into 3 6 होता है, तो 6 divided by 3 2 होता है. ठीक है, तो वैसे ही आपको ये फैक्ट फैमिली बनाने का कोशिश करना है, जहां पे हम 3 नंबर के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि उन तीनों में क्या कनेक्शन है. अभी हम अगर 9 into 7 करेंगे, हमें 63 मिलेगा. सो 9 into 7 is 63. वैसे ही 7 into 9 is also 63. ओके, फिर अगर हम डिवाइड करेंगे 63 को, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा. अगर हम 63 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा. ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन व्हेन यू ट्राई इट, मैंने बहुत सिंपल एक वर्कशीट दिया. अगर वो
कोशिश करोगे तो आई एम श्योर वो आपको आ जाएगा. ऑलराइट, ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई विल गिव यू एन एक्टिविटी वीडियो ऑन द ग्रुप. थैंक यू, सी यू.